एसएमएस न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रेमिका से मिलने नहीं दिया तो घर में घुसकर महिला को दांत से काटा, लड़की को भी पीटा। उपनगरीय यात्रियों के लिए नई सौगात, अभिनेत्री गोखले का एफबी अकाउंट हैक। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। रायपुर के आजाद चौक थाने में रविवार की रात एक शिकायत पहुंची, जिसमें एक महिला ने बताया कि उसकी बेटी के दोस्त ने घर में घुसकर मारपीट की। घायल अवस्था में महिला थाने पहुंची और पुलिस को सारी बात बताई। तब तक मारपीट करने वाला युवक फरार हो चुका था। अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। 45 साल की महिला ने बताया कि बजरंग नगर इलाके में 25 साल का अंकित मिश्रा रहता है। अंकित मोहल्ले में घूमता रहता है। कुछ दिन पहले उनकी 22 साल की बेटी से वह मिलता जुलता रहता था। दोनों के बीच प्रेम संबंध था। जानकारी के बाद बेटी को अंकित से मिलने से रोकने टोकने लगे। ये बात अंकित को रास नहीं आई। रविवार की रात वो महिला के घर के दरवाजे को लात मारकर अंदर घुस गया और खूब उत्पात मचाया। अगली खबर, मध्य रेलवे 1 दिसंबर से अपने उपनगरीय यात्रियों को कुछ नई सौगात देने जा रहा है। सीएसएमटी से अंधेरी और पनवेल से अंधेरी सभी लोकल सेवाओं को गोरेगांव तक विस्तार किया गया है। इसी तरह हार्बर लाइन पर एसी लोकल की 12 फेरियां चलाई जाएगी। यह लोकल मौजूदा साधारण लोकल की जगह पर चलेगी। इसके पहले मेन लाइन पर एसी लोकल की 10 और ट्रांस हार्बर पर 16 सेवाएं हैं। अगली खबर, साइबर क्राइम का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग आए दिन जालसाजों के शिकार हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। मशहूर मराठी अभिनेत्री शुभांगी गोखले का एफबी अकाउंट हैक हो गया है। इस बात की जानकारी खुद शुभांगी ने फेसबुक पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने इसकी साइबर सेल में शिकायत की है। शुभांगी गोखले ने अपील की है कि एक बार फिर उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर दिया गया है। उनके अकाउंट सभी को मैसेज में एक लिंक मिल रहा है, उस लिंक को न खोलें। उन्होंने मुंबई पुलिस की साइबर सेल से बात की है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि यह संदेश पिछले कई दिनों से फेसबुक मैसेंजर पर प्रसारित हो रहा है। अगर किसी ने यह लिंक भेजा है तो वह इसे न खोले। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।